इंसान की सोच इंसान की पहचान होती है, उसकी इंसानियत उसकी सोच का आईना है। जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तब से लेकर ताउम्र वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुड़ा रहता है। आज हमारे इस मुबारक मौके पे मंगलदीप प्रज्वलित करके हमारे इस ज्ञानोदय कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए उपस्थित श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, जो हमारे देश की मानव संसाधन मंत्री है, जिनको यहाँ पे उपस्थित हर एक इंसान जानता है। स्मृति जी को हमने छोटे से पर्दे पे बहुत बड़ा नाम करते हुए देखा है। उन्होंने उस वक्त अभिनय करते हुए हमें संदेश दिया कि छोटे से बड़ा कैसे होना है। हर एक घर में अपनी प्यारी सी छवि लोगों के दिल में बसाकर अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। आज हम यहां से स्मृति जी की एक अलग स्मृति लेके जाएंगे। आज वो हमारे बीच बतौर भारत देश के मानव संसाधन मंत्री के रूप में उपस्थित है। उनकी एक अलग कार्यशैली को हम देखेंगे। अपने एक बहुत ही अहम प्यारे से ख्याल को हकीकत में बदलने की ठान ली और आज एक गांव के छात्रों को वहां की पाठशाला में पढ़ते हुए शहर की अत्यंत आधुनिक तकनीक से सज पाठशाला के जैसी बेहतरीन शिक्षा मिले, उस अंतर्गत आज वो एक नया अभिगम रचने जा रही है। आज सारे हिंदुस्तान में पहली दफा कोई स्ववित्त निर्भर पाठशाला एक गांव की पाठशाला को गोद ले रही है। आज वो गांव और शहर की शाला के बीच में प्यारा सा शिक्षा सेतु बना रही है। वो शिक्षा सेतु वो जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल आनंद और गुजरात के खेड़ा जिले के सोजित्रा तहसील के एक छोटे से गांव मगरोल की सरकारी प्राथमिक शाला के बीच में बना रही है। इस सेतु के जरिए मगरोल प्राथमिक शाला के छात्रों को एवं शिक्षकों को जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल आनंद के जरिए शिक्षा से संबंधित सारी बातों में सहयोग दिया जाएगा। जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल परिवार के छात्रों को दिए जा रही भिन्न शिक्षा प्रणाली की तरह मगरोल शाला के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा की दुनिया में बहुत ही कम समय में जिसने पूरे गुजरात में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, ऐसी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली को जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से गांव के बच्चों को कुछ भी मुआवजा लिए बिना पढ़ाया जाएगा। उस पाठशाला के बच्चों को उनकी ही पाठशाला में नई प्रणाली से पढ़ने के लिए जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल के जरिए अत्यंत आधुनिक स्मार्ट बोर्ड दिया गया। जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल के आद्य स्थापक श्री दीक्षित भाई पटेल के सामने जब ये शिक्षा सेतु का प्रस्ताव रखा गया, तब श्री दीक्षित भाई ने उसको सहर्ष स्वीकार करके शिक्षा की राह पर चलकर ज्ञानोदय के लिए अपनी सहमति जताई। आज इस शिक्षा सेतु की नींव डालकर पूरे भारत देश में सबके सामने एक बहुत प्यारी सी मिसाल कायम की है। हम आशा करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर इसी तरह से शिक्षा सेतु बनते जाएंगे तो साक्षर भारत के अभियान में नए पन्ने ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। आज इस शिक्षा सेतु की नींव रखने वाले हमारे मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी और श्री दीक्षित भाई के लिए हम यही कहेंगे, पथ की पथिक कुशलता क्या जब तक पग में शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल शिक्षण क्षेत्र में कुछ नए आयाम स्थापित करने के लिए सतत प्रयासरत है और रहेगी।
और आने वाली युवा पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से उज्जवल तथा समर्थ भविष्य निर्मित करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात, जय जलाराम।